नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। दोस्तों ये बिल्कुल 1101% वाला रियल वाला पेपर है, जैसे कि हमने आपको नाइट को दिया था बिल्कुल वही का पेपर आपका आ गया है। तो जल्दी से देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का, और इस पेपर में टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए, इन निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कच्चे नारियल का नारियल पानी है, तो इसको तो लगा लीजिएगा, इसमें हमारा राइट उत्तर आ जाएगा सा वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा लिखा, बीज का परिवर्धन विकास होता है, तो कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है हमारा बा वाला बीजांड से। उसके बाद तीसरा लिखा, पराग कोण के अंदर की वृत्ति पड़ते, इसमें आपको लगाना बा वाला टेपीटम लगाना है। उसके बाद चौथा लिखा, अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है, तो हमारी 3 होती है सा वाला। उसके बाद पाँचवा लिखा, पाँचवें में हमारा हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सा वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छठा देख लिया, छठे में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, स्व परागण, तो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा है, वेली सनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है, तो किस प्रकार का परागण होता है, वायु परागण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लिया, खालतन की पूर्ति करना है, अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से खालतन ध्रुव कोशिका होती है, तो इसमें आपको लिखना है कितनी लिखनी है, यहाँ पर कितनी कोशिका होती है ये आपको बताना है, इसमें आपको कितनी लिखनी है, यहाँ पर 3 लिखना है, इसमें आपको 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लिया, शुक्राणु के खालतन भाग में माइटोकांड्रिया होता है, शुक्राणु के खालतन भाग में माइटोकांड्रिया होता है, तो क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों इसका उत्तर आपको देख लेना है, ठीक है, आपको इसका आंसर देख लेना आपकी किताब से, ठीक है। इसमें वैसे आपका आ जाएगा टेपिटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेपिटम आ जाएगा। दूसरा तीसरा देख लिया, निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के खालतन में होती है, तो मादा जनन तंत्र के कहाँ पर होती है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा चौथा लिया है, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवेद संपर्क बनाने वाली रचना को खालतन कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, पांचवा दिया हमारा, नर एवं स्त्री के युग्मक के संलयन को खालतन कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पांचवा, निषेचन, क्या हो जाएगा, निषेचन आपको लगाना है, ठीक है। उसका छठा देखा खालतन, इसमें आपको 800 लगाना है, पूरा का पूरा वही पेपर आया है, ठीक है, बस आपके एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आगे पीछे हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन 3 देख लीजिएगा, कार्पस लुटीलस का निर्माण अपरा में होता है, तो अपरा में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लिया, दूसरा मर दिया ये हमारा सत्य हो जाएगा, तीसरा हमारा सत्य हो जाएगा, और चौथा भी आपका सत्य हो जाएगा, लिमोफिलिया एक लिंग सहलंग होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर आपको देख लेना दोस्तों। छठा मर दिया, जीव विनिमय की क्रिया पैकेटिंग अवस्था में होती है, तो पैकेटिंग अवस्था में होती है क्या नहीं होती है, ये हमारा नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगला देख लिखा, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो टंडन सिंड्रोम, यहाँ पर क्या दिया, टंडन सिंड्रोम में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। वैसे आपको सही जोड़ का मिलान हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, अच्छे से देख लेगा आप, आपको यहाँ पर सही जोड़ का मिलान का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्या करना है आपको, एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सही जोड़ का मिलान देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 5 में क्या करना है, आपको एक वाक्य उत्तर देना है, जिसका हमारा पहला दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर छठा दिया हमारा, स्व परागण का आंसर आपको देना है, ठीक है। सातों क्वेश्चन हमने दिया, आठों क्वेश्चन लिया हमारा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा, बारहवा, तेरहवा, चौदहवा, पंद्रहवा, सोलहवा, सत्रहवा, अट्ठारहवा, उन्नीसवा, बीसवा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा पेपर कम्प्लीट हो गया, जो हमने पेपर बताया आपको नाइट को बिल्कुल वही का वही पेपर आया, जल्दी से अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।